हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक खास वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, ये है एक पुरानी बाइक से निकाली गई सेल्फ मोटर। वैसे तो ये मोटर काफी महंगी आती है, लेकिन मैंने इसे एक स्क्रैप में पड़ी हुई बाइक से निकाला है। हालांकि ये मोटर फिलहाल काम नहीं कर रही है, तो आज हम इसे खोल कर देखेंगे और अच्छी तरह से सर्विस करेंगे। दोस्तों, हमने मोटर को खोल लिया है और इसके अंदर काफी कार्बन कंपाउंड जमा हो गया है। फिलहाल मैं एक एक करके सभी कंपोनेंट्स को बाहर निकालता हूं, फिर हम क्लीनिंग की प्रक्रिया पर चलते हैं। दोस्तों, मैं मोटर को साफ करने के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहा हूं। बाकी कंपोनेंट्स को भी मैं पेट्रोल से ही साफ करूंगा। दोस्तों, हमने मोटर की सफाई बहुत अच्छे से कर ली है। अब सभी पार्ट्स काफी चमक रहे हैं। दोस्तों, क्लीनिंग के बाद आर्मेचर काफी साफ दिख रहा है। आर्मेचर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इसे पहले भी रिपेयर किया गया हो। आप आर्मेचर के ऊपर सीलिंग क्ले लगी हुई देख सकते हैं। दोस्तों, जब हमने मोटर के बैक कवर को देखा तो हमने देखा कि मोटर ब्रश से वायर टूट गया है, जिसकी वजह से बैटरी की सप्लाई आर्मेचर तक नहीं पहुंच रही है। हम पॉजिटिव वायर के बोल्ट को भी नहीं खोल पा रहे हैं, क्योंकि ये बोल्ट पूरी तरह से जंग खा चुका है। इसलिए हम ब्रश को बाहर निकाले बिना ही सोल्डरिंग कर देंगे। दोस्तों, मैं यहां पर मोटर के सभी कंपोनेंट्स पर ग्रीसिंग कर रहा हूं। उसके बाद मैं सभी पार्ट्स को मोटर के अंदर वापस लगा दूंगा। अब हम मोटर के बैक कवर को भी लगा देंगे और स्क्रूज को वापस टाइट कर देंगे। दोस्तों, मोटर तैयार हो गया है और इसकी शाफ्ट भी काफी स्मूथली घूम रही है। अब हम मोटर की टेस्टिंग करेंगे। इसके लिए मैं 12 वोल्ट की बैटरी ले रहा हूँ। दोस्तों, मोटर काफी अच्छे से काम कर रहा है। इसका साउंड आप सुन सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।